हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? गुड आफ्टरनून। दोपहर हो चुकी है और दोपहर का खाना बनना स्टार्ट हो गया है। दाल बनने के लिए रख दिया मैंने, उड़द की दाल और चावल बना रही हूँ आज। और श्रेया को बोला है, श्रेया फटाफट से तो ये बर्तन लगा दे और मैं बाकी के काम करती हूँ। उसके बाद फिर मेरे को जाना है कहीं, तो वो तो आपको जा करके ही दिखाऊंगी मैं कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो यहाँ फटाफट से श्रेया ने बर्तन लगा दिए और मैं कुछ करने चली गई थी। यहाँ श्रेया बर्तन लगा रही थी और खाना मेरा रेडी हो चुका था। आटा भी बन गया था, दाल बना दी, चावल बन गए थे, चावल बन रहे हैं अभी। तो अभी श्रेया लगा रही है बर्तन, ये देखिए। कभी कभी तो फंसती है ये काम करने के लिए, करवा लेती हूँ मैं। और करवाते भी रहना चाहिए, बच्चों को आदत होनी चाहिए काम करवाने की। Thank you.
बाबा के भव्य दर्शन आप सबको हो गए हैं, पालकी के भी दर्शन कराए हैं। इतना मन लग रहा था यहाँ से जाने का, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। और ये देखिए, ये भंडारा चल रहा है। हम लोग तो क्या, मेरा फास्ट था आज, और ये घर से खा के गए थे, तो इसलिए हम लोगों ने भंडारा नहीं लिया है। हम शिरडी में तो बन दे तुझे झोंकना पड़ेगा, कर्मों का फल तो बन दे तुझे झोंकना पड़ेगा, कर्मों का फल तो बन दे तुझे झोंकना पड़ेगा। लेकिन ये सारी शक्ति रास्ते में हम आ गए थे। कुछ सामान लेना था हमें रास्ते के लिए ही, ले जाने के लिए। घर आ गई हूँ और बाबा के, बृहस्पति देव भगवान जी के लिए भोग तैयार कर रही हूँ। ये मैंने यहाँ मैं बना रही हूँ बेसन का हलवा। घी डाल दिया है, बेसन डाल दिया है, एक तरफ पानी पकने के लिए रख दिया है, बादाम मैंने काट दिए हैं। और पहले बेसन को अच्छे से भूनेंगे, उसके बाद उसमें पानी डालेंगे और फिर
चीनी डालेंगे और बादाम डाल देंगे और थोड़ी सी पूरी काली मिर्च डालूंगी और फिर हमारा हो जाएगा प्रसाद तैयार। बेसन का हलवा वैसे तो सबको बहुत पसंद है घर में बहुत ज़्यादा, और बनाना भी आसान है बेसन का हलवा सबसे ईजी। तो आ जाइए आप लोग भी, खा लीजिए बाबा का प्रसाद, देव भगवान जी का प्रसाद आप लोगों के लिए भी। भगवान बृहस्पति देव भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करे। बहुत अच्छा व्रत है, बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा फलदायक। तो इसमें पीली चीज़ों का ही जो है हमें भोग लगाना होता है, पीला ही भोजन करना होता है, और ये व्रत जो है मीठे ही रखने होते हैं, नमक नहीं खाते इस व्रत में। तो मैं नमक नहीं खाती, मैं क्या कोई भी बृहस्पति देव भगवान के व्रत में नमक नहीं खाते। और चना मुनक्के का प्रसाद होता है, चने की दाल आप ले सकते हैं, चना ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं, मुनक्का ले सकते हैं, कुछ भी इनमें से चने के साथ आप ले सकते हैं। और ये यहाँ पर हमारा हलवा जो है ये बेसन ब्राउन हो गया है, और अब इसमें हम डाल देंगे पानी। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम साई मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम बाबा मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। Thank you.
कैसे हैं आप सब। तो आज जो है मैं गई थी मंदिर में। मंदिर में तो हम हर बार हर थर्सडे में जाते हैं, लेकिन आज मंदिर में जो था साईं संध्या चल रही थी, भंडारा चल रहा था। आप लोगों को भी बाबा के दर्शन कराए हैं। और बाबा तो मतलब क्या बाबा के बारे में कुछ नहीं बोल सकती हूँ, जितना बोलो उतना कम है बाबा के लिए। लेकिन अभी जैसे कि आप सबको पता ही है कि इस बार हम गए थे यही मोब्बे वाला मंदिर में, और नेक्स्ट थर्सडे जाएंगे शिरडी। तो नेक्स्ट थर्सडे मिलेंगे बाबा से शिरडी में। तो अभी इंतज़ार की घड़ियां जो हैं हमारी ख़त्म हो चुकी हैं, अब तैयारियां चल रही हैं ज़ोरों शोरों से। तैयारियां तो पिछले एक महीने से चल रही है, कर रही हूँ तैयारी जाने की, लेकिन अब खुशी का ठिकाना नहीं है। अब इतनी खुशी हो रही है बस नज़र ना लगे, बाबा ठीक ठाक सब ठीक ठाक करे और जल्दी से जल्दी बुलाए अपने पास। श्रेया मेरा कंगन कहाँ है? इस हाथ में मेरा कंगन नहीं है, कंगन दे दे, मेरा अजीब लग रहा है। तो इस हाथ में है इस हाथ में नहीं है। तो अभी मैंने कहा चलो थोड़ी सी बातें हो जाएं आपसे, कई दिन हो गए आपसे बातें किए हुए। तो आजकल बिज़ी बहुत हूँ, बिज़ी हूँ, और मेरे गर्दन और कंधे में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो इसकी वजह से कुछ काम भी नहीं हो पा रहा है, और दर्द भयंकर वाला है, बहुत भयंकर वाला। कभी किसी चीज़ का दर्द, कभी किसी चीज़ का दर्द, दर्द बना ही रहता है। पहना दो मुझे कैमरा हिल रहा है। और सूट कब का मेरा ऐसे ही अधूरा पड़ा हुआ है, सूट का अभी तक कोई मुहूर्त नहीं हुआ है। एक्चुअली बात क्या है कि इसकी रील ख़त्म हो गई है और मेरे को लाना है रील, और रील लाने का टाइम नहीं मिल रहा है। गई थी आज, थोड़ा सा सामान भी लेके आई हूँ जाने के लिए, थोड़ा रास्ते के लिए। जैसे कि आजकल आपको पता ही है कोरोना काल चल रहा है, तो रास्ते में इतना कुछ खाने के लिए नहीं ले सकते, तो सब कुछ घर से ही रख के लेके जाएंगे। और वही सब लेने गई थी, और मंदिर, पहले तो मंदिर गए थे, फिर वहीं से रास्ते में से हमने सामान भी ले लिया था। तो आज पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकला है, मेरा फास्ट भी था आज थर्सडे का। तो फिर आई, बेसन का हलवा बनाया और व्रत खोला मैंने। हलवा तो मैं नहीं खाती, लेकिन मैंने थोड़ी सी शक्कर के साथ रोटी खा ली थी, हलवा नहीं खाया मैंने। और अभी चलते हैं, क्या टाइम हुआ है, घड़ी भी बंद है, सेल लाना भूल गई, इतना सामान लाई हूँ सेल लाना भूल गई हूँ। सामने दूसरी घड़ी है, 9:10 हो गए हैं। तो खाना वाना सब निपट गया है, मैंने बनाया था आज, क्या बनाया मैंने, पनीर भुजिया। तो आज बनी है रात में पनीर भुजिया। किचन विचन सब समेट दिया है, काम सारा ख़त्म हो गया है, और सामने चल रहा है मैं उठे दिल छोड़ आया सीरियल सोनी पर। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, अच्छे से व्लॉग में। तब तक के लिए उससे पहले क्या करना है, उससे पहले बेल आइकन सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक सब कर दीजिए, भूलिएगा मत कुछ भी। लाइक ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। और वैसे तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है, सब्सक्राइबर बढ़ ही रहे हैं मेरे, तो अच्छा लग रहा है। लेकिन आप लोग वीडियोस कम देख रहे हैं आजकल, बहुत कम प्यार मिल रहा है आप लोगों का। ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिएगा। आज अभी खाना बना के किचन विचन साफ़ करके आई हूँ, स्वेटर निकाल दी थी, और अभी तो मैंने कहा चलो लेटेंगे। आओ श्रेया आप भी गुड नाइट बोल दो, आओ।
पहले हेलो बोलो। हेलो गुड नाइट। मेरा एक ही डायलॉग है, मेरा एक ही डायलॉग है, हेलो गुड नाइट। तो पहले तो मेरे को श्रेया को जाना था आज, लेकिन हम फिर उधर से उधर ही शॉपिंग कर आए, नहीं तो प्लानिंग मेरी और श्रेया की थी। और चलिए चलते हैं, मिलते हैं। कहाँ देखते हो आप? वहाँ देखती हूँ कैमरे में। कहाँ देखते हो? पता नहीं यहाँ कहीं देखते हो आप। वो फेस भी देखना होता है ना, श्रेया को भी देखना होता है ना, खुद को भी देखना होता है। तो चलिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, गुड नाइट, गुड नाइट।